नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी डिटॉक्स के बारे में। दोस्तों हमारे शरीर का अंदर से साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये बहुत लंबे समय तक अगर टॉक्सिफाइड रहती है या उसके अंदर बहुत समय तक टॉक्सिन बने रहते हैं तो ये हमारे शरीर के मल्टीपल एरियाज़ को इफेक्ट कर सकते हैं। आपको बार बार एक्ने, पिंपल निकलना या डिफरेंट तरह की स्किन डिजीजेज देखने को मिल सकती हैं। आपका डाइजेशन गड़बड़ दिख सकता है, बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, लीवर डिसफंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के प्रॉपरली डिटॉक्स ना होने के वजह से देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, आज मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। और ऐसी क्या घर में मिलने वाली चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने शरीर में प्रेजेंट जितनी भी गंदगियां हैं उनको आप साफ कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी बॉडी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, कैसे इसके अंदर हमें टॉक्सिन ज़्यादा डिपॉजिट होते हुए से मिलते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खाते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स हैं या फिर डब्बा बंद आइटम्स हैं जिसमें तेल और ऐसे कंटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है या शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होता है कि दोस्तों हमारे शरीर में वो जमा होना शुरू हो जाता है। जमा कैसे होता है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो पहले हम जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, उसके बाद वहाँ पे जाके वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है और वो फिर हमारी छोटी आंत में जाता है, वहाँ एब्जॉर्ब होता है एंड देन फिर वो हमारी बड़ी आंत से होता हुआ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारी जो आंत होती है उनके अंदर छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जब हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर जोन पे, हमारी आंत पे पहुंच के ही हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, और ये जो हमारे इसके अंदर जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं, जो पानी है, जो और अच्छे इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ हैं वो होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बहुत बैड क्वालिटीज़ वाली हैं तो वो भी धीरे 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 करके उन सीलियास के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं। अब उसके पहुँचने की वजह से क्या होता है कि अब उसके एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपके शरीर में फैट भी जा रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी जा रहा है, अगर वो जाके आपकी खून की नसों में जम गया तो ये कोलेस्ट्रॉल कॉज करने लग जाएगा, लीवर पे जाके जम गया तो ये क्योंकि सभी ये ब्लड सप्लाई के थ्रू आपके जो सीलियाज हैं वो आपके पहले खून की नसों में पहुंचाता है और यही खून की नसें आपके बॉडी के हर ऑर्गन पे पहुंचाती हैं। तो अगर उनके अंदर जो कंटेंट है वो इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिफाइंग हैं तो वो शरीर के जिन जिन एरियाज पे, जिन जिन ऑर्गन्स पे जाएंगे तो वहाँ पर टॉक्सिसिटी को ही छोड़ के आएंगे। लक्षण आपको कैसे दिखें, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपके बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हैं आपके शरीर में। फ्री रेडिकल्स इज़ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी, आप इन जनरल माने कि अगर जितना ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स होंगे मतलब आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, उसमें उतना ही ज़्यादा इन जनरल जहर है, तो उसको हमें साफ करना है। दूसरी चीज़, आपको बार बार जैसे बीमार आप जल्दी पड़ेंगे, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे शरीर का लगभग 70% इम्यून पावर, हमारी इम्यून डेवलपमेंट हमारे गट से होती है, हमारे इंटेस्टाइन या हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से होती है, तो इसका गड़बड़ होना हमारे इम्यून को भी ख़राब करता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल सी दिखेगी, उसमें तेज नहीं दिखेगा, उसमें बार बार पिंपल एक्ने होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, हार्ट की घातक बीमारियाँ डेवलप हो सकती, तो इस हाँ के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आप समझ लें कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसको इमीडिएटली आप डिटॉक्स करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसको डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। आज आपको तीन मैं ड्रिंक्स बता रही हूँ, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसका प्रयोग करें, और आप उसको अगर को शुरुआत में चाहें तो पर डे ले सकते हैं, और आपको लग रहा है जब आप थोड़ी बेटर स्टेज में आ गए हैं तो आप फिर हफ्ते में एक बार उसका सेवन कर सकते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है क्लीन होती चली जाए।
दोस्तों सबसे पहला जूस जो आपको प्रिपेयर करना है, जो ड्रिंक प्रिपेयर करना है, वो बीट रूट एंड पोमग्रेनेट जूस है। इसमें आपको क्या करना है, आप वैसे पोमग्रेनेट की जगह पे आप आंवले का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको कैसे लेनी है कि आधा कप आपको लेना है बीट रूट यानी कि चुकंदर। आजकल ठंड शुरू हो रही है, आराम से चुकंदर आपको अवेलेबल रहेगी। आधा कप चुकंदर लें और आपको लगभग एक कप के करीब आपको पोमग्रेनेट यानी कि अनार के दाने लेने हैं, या फिर आप इसकी जगह पे आंवला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसको प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है एलोवेरा, जो ओरिजिनल एलोवेरा लीफ होती है यानी कि जो एलोवेरा की पत्ती होती है उसमें से निकाला हुआ लगभग एक चम्मच आपको एलोवेरा जेल उसमें डालना है। तो फ्रेश लीफ लीजिए, उसको अच्छे से साफ़ करें, ऊपर के जो उसकी हार्ड लेयर है उसको हटा के, और फिर आप उसको चम्मच से स्क्रब जो है स्क्रैच करके निकालेंगे तो आपको उसमें एक आराम से एक चम्मच एलोवेरा जो है लिक्विड फॉर्म में निकल आएगा, उसको डालें। आपको क्या करना है, इन तीनों ही चीज़ों को मिक्सी में डाल के बहुत अच्छे से चला लें। साथ में आप पानी की मात्रा लगभग एक कप पानी भी डालें ताकि वो जूसी फॉर्म में हो जाए, और उसके बाद आप इसको निकाल के छान लें। तो छानने के बाद इसमें सारा एक्सट्रैक्ट आपके उस पानी के साथ आ जाएगा, और उसमें लगभग एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को मिलाकर उसका एक प्रॉपर एक जूस बना लें। और आप लंच और डिनर के बीच में जो इवनिंग टाइम है उस समय उसका प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा काम करता है। बीटरूट बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के बॉडी में किसी तरह की इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो रही है उसको कम करने में, आपके बॉडी में आयरन रिच कंडीशन करने में, हीमोग्लोबिन को अच्छा करने में बहुत मदद करता है। पोमग्रेनेट अगेन आयरन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर हम आंवला यूज़ करें तो उसमें वेरी रिच अमाउंट ऑफ विटामिन सी है, दैट अगेन एंटी ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ दोनों ही आते हैं, पोमग्रेनेट एंड विटामिन सी। तो जो ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड आपको जो ड्रिंक बनाना है वो हल्दी डिटॉक्स ड्रिंक बनाना है। उसमें क्या करना है, आपको दो कप पानी लें, उसमें एक चम्मच जो है आप जो क्रश करके अदरक जो है छोटे जो टीस्पून होता है वो आप डाल दें, आधा चम्मच आप उसमें हल्दी डाल दें और एक चौथाई चम्मच आप उसके अंदर काली मिर्च डाल दें। इन सभी को अच्छे से बॉयल करिए, और बॉयल करने के बाद जब दो कप पानी शिफ्ट हो जाए एक कप में तो आप उसको छान लें। उसमें आप एक चम्मच हनी मिला सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप डायरेक्ट पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पी सकते तो उसमें एक चम्मच आप हनी का मिलाकर आप इस ड्रिंक को गर्म हल्का गुनगुना सिप बाय सिप करके लंच एंड डिनर के बीच में लें। आप हफ्ते में एक बार भी इसका सेवन करेंगे तो ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। दोस्तों तीसरा ड्रिंक है दोस्तों ज़ीरा वाटर डिटॉक्स ड्रिंक। आपको स्पेशली ये वो लोग ज़रूर ट्राई करें जो अपना वेट कम करने के लिए डिटॉक्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको सिंपल क्या करना है कि दो कप पानी लें, उसमें दो चम्मच जो ज़ीरा है छोटा टीस्पून वाला ही जीरा लेना है, नॉट अ टेबल स्पून, टीस्पून जीरा आप रात में पानी में भिगा के छोड़ दें। सुबह उसी पानी को आप बॉयल करें, उसके अंदर आपको डालना है लगभग एक हाफ स्पून जो है जिंजर, क्रश करके चॉप करके जैसा भी कन्वीनियंट हो आपके लिए आप उसमें डाल दें। इसके साथ साथ आप उसको पहले तो बहुत अच्छे से उसको आप बॉयल कर लें, तब तक बॉयल करें जब तक आपका वो दो कप पानी एक कप में कन्वर्ट नहीं हो जाए, आप उसको ले लें। और उस जब पानी एक कप हो जाए आप उसको छान लें, उसके अंदर एक चम्मच नींबू का रस डालें और एक चम्मच शहद मिलाकर, दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, उसको आप डाल सकते हैं, और अगर स्वीटर टेस्ट थोड़ा चाहिए हो नहीं तो आप डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसका ये ड्रिंक प्रिपेयर करें और आप इसको सुबह खाली पेट पीना शुरू करें। ये एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, एंड दूसरा आपके वेट रिडक्शन पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। जीरे का बहुत अच्छा एक्शन होता है हमारे फैट सेल्स को डिसॉल्व करने में, हमारे फैट सेल्स को कम करने में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रहे हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।